आज हम बनाने वाले हैं पोई साग की सब्जी, जो विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होता है और स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर दबा लें। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने फ्रेश पोई साग लिया है, जो अप्रोक्स 400 ग्राम के करीब है, और इसके साथ थोड़ा सा कुम्भड़ा और 2-3 आलू लेंगे। तो सबसे पहले हम पोई साग को तोड़ लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी पत्तियों को हम अलग कर लेंगे। इस प्रकार से हम इसके पत्तियों को तोड़ लेंगे। इसके डंठल्स को हम फेंकेंगे नहीं। इसका टेस्ट सब्जी में बहुत अच्छा आता है, तो इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। ये देखिए इसका तोड़ने का प्रोसेस। इसे एक साइड से तोड़ के दूसरे साइड से छिलके को हटा लेंगे। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से टूट जाएगा। आप इसे चाहें तो चाकू की मदद से काट भी सकते हैं। तो सारी सब्जियां कट के रेडी हो चुकी हैं। ये पत्तों को मैंने काट लिया, ये डंठल्स, आलू और कुम्हड़ा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा बैंगन भी डाल सकते हैं। कढ़ाई गर्म होने को चढ़ा दिया है, इसमें एक छोटी चम्मच ऑयल लेंगे। मैं इस सब्जी में थोड़ा सा बड़ी यूज़ करने वाली हूँ, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। इसे लो फ्लेम पर थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। ये बड़ी होममेड है, जिसकी रेसिपी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये रोस्ट हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। फिर से कढ़ाई में हाफ चम्मच ऑयल लेंगे और सारी सब्जियों को रोस्ट कर लेंगे। एक एक करके सब्जियों को डालेंगे। तो सबसे पहले मैं आलू को डाल रही हूँ। आलू को हल्का रोस्ट करके फिर इसमें पोई की डंठल को डाल देंगे, फिर कुम्हड़े को भी डाल देंगे। सब्जियों को मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए मसाले भी रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3-4 हरी मिर्च और आधा चम्मच सरसों के दाने, 2 टमाटर लिए हैं, जिसमें से 1 टमाटर हम इसमें ग्राइंड कर लेंगे और एक को ऊपर से डालेंगे। तो इस प्रकार से पेस्ट रेडी है। अब सूखे मसाले देख लेते हैं। इसके लिए लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधे चम्मच से भी थोड़ा जीरा पाउडर, क्योंकि जीरा पाउडर हम गोटा यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बना ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट सूखा भी यूज़ कर सकते हैं। जिस कढ़ाई में हमने सब्जियों को फ्राई किया था, उसी कढ़ाई में 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच गोटा जीरा, 2 सूखी मिर्च। तो मसाले लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें टोमेटो वाली प्यूरी को डालेंगे, जिसमें कि टोमेटो, अदरक, मिर्च और मस्टर्ड सीड थे। इसे 1 मिनट पकाकर जो सूखे मसालों का पेस्ट बनाया था, वो भी इसमें डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और अब इन सभी मसालों को अच्छे से पका लेंगे। मसाले अच्छे से पक चुके हैं, ऑयल रिलीज हो गया है। अब हमने जो 1 टोमेटो रखा था, उसे भी डाल देंगे और अब हम इसमें सारी सब्जियों को डाल देंगे। तो सबसे पहले पोई साग को डालकर इसे मसालों के साथ 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब सारी सब्जियों को इसमें डालकर सभी सब्जियों को इसके साथ पका लेंगे। इसे अब ढककर पकाएंगे। इसमें ऊपर से हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितना सारा पानी रिलीज़ किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ये साग पानी रिलीज़ करता है, जिसमें ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। सभी सब्जियाँ अच्छे से पक गई हैं। इसमें मैं बॉडी को डाल रही हूँ। अब बॉडी को बस लास्ट में डालकर 1 मिनट ही पकाएं, ज़्यादा देर ना पकाएं, नहीं तो बॉडी जो है वो टूट जाती है। तो इस प्रकार से हमारी स्वादिष्ट सब्जी बनकर रेडी है। आप इसे इस प्रोसेस से ज़रूर ट्राई करें। इसे राइस, रोटी या पराठे किसी चीज़ के साथ भी इंजॉय करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी रेसिपी शेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगी। तो जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।